नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी आपके टैरेट का रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे शनि रेट्रोग्रेशन पे कि जो शनि का रेट्रोग्रेशन हो रहा है वो सबके लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम यार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 13th of June 2024 थर्सडे और ये वीडियो ठीक 6 दिन बाद अपलोड होगी 19th of June 2024 वेडनेसडे को। 29 जून को ये चेंज है और 15 नवंबर तक चलेगा, 4.5 महीने का चेंज, 139 का डेज। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था और ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे और ये इंडिया की कुंडली है, आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस। मैंने कल भी बताया था, परसों भी, कि अपनी कुंडली खोलिए, बर्थ चार्ट खोलिए, ये फर्स्ट हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा है। 4 लिखा है तो आप कैंसर है, 7 लिखा है तो लिब्रा है, 8 लिखा है तो स्कॉर्पियो है। उसी से अपनी प्रिडिक्शन मैच कीजिए, मून साइन से हमारी प्रिडिक्शन नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर सजिटेरियस धनु, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों धनु, अब दोस्तों हम इस उस वाले पार्ट में आ गए दोस्तों जहाँ पे दो गुरु की राशि है और जहाँ पे दोस्तों दो शनि की राशि है। दोस्तों अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करके धनु राशि या धनु लगन की बात, हम लोग दोस्तों लगन से बात करेंगे। दोस्तों धनु लगन हो गया गुरु का। दोस्तों अगर आपको याद है, गुरु का चेंज हुआ था, जुपिटर का चेंज हुआ था 2 नंबर के अंदर, तो हमने धनु लगन वाले को कहा था कि बहुत कोई खास बड़ा चेंज नहीं होगा उनके लिए, बिकॉज इनका फिजिकल बॉडी का लॉर्ड जो दोस्तों जुपिटर था, वो अपने ही अपने से 6th हाउस आने से अपने सेल्फ को कहीं ना कहीं परेशान करके चलते हैं, यानी कि सेल्फ की बॉडी को। तो अब क्या हुआ कि दोस्तों शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा और आपके चार्ट में दोस्तों शनि है 2nd मार्केश और 3rd नेगेटिव का लॉर्ड। तो दोस्तों बेसिकली धनु में शनि नेगेटिव ही बनता है, कोई पॉजिटिविटी वाला ग्रह नहीं बनता, बिकॉज 2nd हाउस मार्केश और 3rd हाउस दोस्तों हो गया आपके नेगेटिव हाउस। और दोस्तों यहाँ पे शनि है 2nd का लॉर्ड इन 2nd हाउस, यानी कि मार्केश का जो लॉर्ड है दोस्तों वो मार्केश वाले हाउस में, सॉरी तो यहाँ पे 3rd का लॉर्ड शनि 3rd हाउस में, मार्केश में तो पहले था, तो 3rd का लॉर्ड शनि 3rd हाउस में, यानी कि नेगेटिव का लॉर्ड इन नेगेटिव हाउस। दोस्तों जब से जहाँ पे शनि का रेट्रोग्रेशन हुआ वो आपका विपरीत राज होता वो चल रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता वो चल रहा है। अगला दोस्तों जो गोचर होगा शनि का आपके 4th हाउस में होगा 29 मार्च को दोस्तों 2025, वो नेगेटिव हो सकता है। बट अभी दोस्तों क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है यहाँ पे 3rd हाउस में है, विपरीत राज योग देकर चल रहा है, तो थोड़ी सी बेटरमेंट करेगा आपके लिए, आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल को आपका बढ़ता है, आपका सेल्फ हाउस के अंदर बढ़ोतरी मिलती है, आपकी सेविंग्स के अंदर यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, चाहे स्लोली बढ़ेंगी धीरे बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी दोस्तों, वेल्थ एक्युमुलेट होगी। दोस्तों ट्रैवलिंग यहाँ पे खूब होती ही होती है, तो यहाँ पे शनि पॉजिटिविटी करेगा, नेगेटिविटी यहाँ पे ना के बराबर करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी होगी, वेल्थ के अंदर इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल शनि का रेट्रोग्रेशन कहीं ना कहीं आपके लिए बेटरमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपका विपरीत राज जो कि जो दोस्तों पॉजिटिविटी दोस्तों उसको बढ़ाता हुआ चल रहा है। बस इतना भी ध्यान में देखे चल रहे हैं, जैसे शनि यहाँ पे 3rd का लॉर्ड है और वो उसके जो इम्पैक्ट होगा दोस्तों 5th हाउस पर जाएगा, पेट वाले घर पे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे शनि की नीच की राशि है, पेट का हमें ध्यान में देखे चल रहा है, हारमोन्स का ध्यान में देखे चल रहे, लेडीज की बात करके देखे, यहाँ पे दोस्तों इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं और हो सकता है दोस्तों 5th हाउस शेयर मार्केट का, शेयर आपको नीचे जाए तो घबराना नहीं है, आपको स्टैग्नेट हो जाए तो घबराना नहीं है, कोई नीज रिएक्शन नहीं करना कि आपने घबरा दो और अपने हाथों शेयर बेचने शुरू कर दिए, नहीं करने। 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक दोस्तों जब तक शनि का रेट्रोग्रेशन है नवंबर एंड तक, उसके बाद थोड़ा 15-20 दिन आपको वेट करने, उसके बाद आपने सेल करने या परचेज करने, अभी कोई नीज रिएक्शन आपने नहीं देना कि घबरा के मारे आपने बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज 5th हाउस पर शनि का इम्पैक्ट दोस्तों शेयर मार्केट को आपके फाइनेंस को कहीं ना कहीं स्नैगनेट कर देगा, स्लो कर देगा। तो ये अच्छी बात है कि शनि आपकी कुंडली में आपको नीच भाग विपरीत राज होकर चल रहा है, उसकी वजह से जो बहुत नुकसान हो सकता है आपका नहीं होगा दोस्तों, फ्रेंड सर्कल से, सिबलिंग से, ट्रैवलिंग से, जो लोग ट्रैवलिंग के फील्ड में उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और सो इसका इम्पैक्ट गया आपके यहाँ पे क्या बोलते हो आपका 9th हाउस पे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका धर्म और शनि हो गया आपका कर्म, तो धर्म कर्म मिलकर दोस्तों अपने कर्म पे ध्यान देना, हम लोगों ने अपनी चैरिटी पे ध्यान देना है, हम लोगों ने दोस्तों अगर हो सके दोस्तों 9th हाउस एनजीओ को डिनोट करता है, ऑर्फनेज को डिनोट करता है, ओल्ड एज होम को, तो शनि ओल्ड एज होम के लिए हो गया, तो शनि हो गया दोस्तों बुजुर्ग पैरेंट, तो यहाँ पे आप सूर्य की राशि होगा पिता तुल्य व्यक्ति, यानी कि दोस्तों ओल्ड एज होम, तो ओल्ड एज होम जाएं वहाँ पे मदद करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर अपनी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो थोड़ा आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अगर शनि कुंडली में भी पॉजिटिव है, आपकी दशा भी पॉजिटिव चल रही है आपकी, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी और पैसा आपको कहीं ना कहीं बढ़ता चलेगा यहाँ पे, बस दोस्तों मेहनत करनी हम लोगों ने यहाँ पे, लक आपके साथ में। चलिए 9 नंबर सेजिटेरियस धनु का भी हो गया कि इनके लिए कैसा रहेगा, इनके लिए भी अच्छा रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
आप चाहे तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का। दोस्तों कैप्रिकॉन माने शनि की पहली राशि। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई कि कोई ग्रह दोस्तों अपनी राशि में होगा तो कभी नुकसान नहीं करता उसका, तो शनि हो गया आपका इसके सेकंड हाउस के अंदर, अपने से सेकंड हाउस, सेल्फ से सेकंड हाउस के अंदर। सेल्फ का सेकंड हाउस हो गया आपकी सेल्फ की वेल्थ का, और दोस्तों शनि यहाँ पे है रेट्रोग्रेड मोशन में, तो सेल्फ के वेल्थ को बढ़ाएगा। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए फायदा यहाँ मिलने वाला है कि शनि क्योंकि आपके अपने राशि के। तो दूसरी बात ध्यान में रखिए, कैप्रिकॉन जो राशि होगी दोस्तों उस पर 7.5 चल रही है, उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। हम लोग लगन की बात करें, लगन में तो 7.5 नहीं चल रही, राशि पे 7.5 चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड हाउस जो कि मार्केश होते हैं वहाँ पे दोस्तों शनि रहेगा, लेकिन एक बात हमें ध्यान में देना दोस्तों, इस शनि का इम्पैक्ट आपके 8th हाउस पर जाएगा जहाँ पे सूर्य की राशि है जो कि शनि की एनिमिक राशि है। दोस्तों हम लोगों ने हर वीडियो में अब तक देखा कि शनि का 7th हाउस जो 7th इम्पैक्ट जा रहा है दोस्तों, 7th एस्पेक्ट जा रहा है, वो कोई बहुत सा काम नहीं कर रहा बिकॉज वहाँ पे दोस्तों सूर्य की राशि आ गई है। तो ये दोस्तों और यहाँ पे बन गया दोस्तों आपका 8th हाउस एज वाला हो। तो हेल्थ की बात करके देखें, ओवरऑल हम आपकी स्ट्रगल की बात करके देखें, आपकी एज की बात करें तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वो सभी लोग दोस्तों जो इस समय काफी ज्यादा परेशान है नर्वस सिस्टम को लेकर दिक्कत में, जिनकी एड़ियों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, टांगे दोस्तों चलना फिरना नहीं हो पा रहा, फिजियोथेरेपी ले रहे, लोअर बैक जिनके थाईज में हिप्स में दिक्कत है, उनके लिए परेशानी होती है यहाँ पे बढ़ सकती है। उनको अपना पूरा सावधानी रखनी पड़ेगी बिकॉज 8th हाउस बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो रहा है। बट द गुड थिंग इज कि भाग्य की बात करें या हम आप ओवरऑल हेल्थ की बात भी करके देखें तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट रहेगी बिकॉज शनि अपने ही साइन के अंदर है। तो एस्पेक्ट दोस्तों नेगेटिव है, यानी कि सूर्य को जल देने पे हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। दोस्तों सेविंग्स आपकी कहीं नहीं जाने वाली, सेविंग दोस्तों इनफैक्ट आपके बढ़ सकती है यहाँ पे, कम तो होंगी नहीं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर तो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है इनके लिए, अच्छा ज्यादा है बुरा कम है। बुरे में दोस्तों हेल्थ, लोअर बॉडी की जो हम लोग बात करके देखें, थाई जिप से बात करके देखें, इवन दोस्तों जो लोग डेथ बेड में बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, इनकी शूशू पॉटी दोस्तों बीच में हो रहा है, दोस्तों चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा, फूड पाइप के दोस्तों पाइप के खाना जा रहा है, या दोस्तों उनका यूरिन भी इसमें थैली में निकलता है, इस तरह की चीज़, तो उनको दोस्तों यहाँ पे ज्यादा परेशानी होती है, उनको मुक्ति मिल सकती है अपने दर्दों से। बट ओवरऑल दोस्तों जिनको पैसे में दोस्तों ज्यादातर लोग दोस्तों पैसे का रहता है कि हमारे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा रेट्रोग्रेशन में, दोस्तों सेल्फ का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, सेल्फ को दोस्तों पैसा मिलता रहेगा, सेविंग्स आपकी एक्यूमुलेट होंगी, वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट होगी, नेगेटिव खर्चे आपके होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे बिकॉज बाकी चीज दोस्तों आपके फेवर में। तो बाकी सबको डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, आपके चार्ट में शनि अगर वेल प्लेस है दोस्तों, शुक्र के साथ है, शुक्र का एस्पेक्ट है, तो वो सब दोस्तों कहीं ना कहीं चीज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा ही देके जाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हाँ कुंडली में भी शनि आपका नेगेटिव है, नीच का है, राहु के साथ है, शुक्र भी नेगेटिव है, दोस्तों पैसों को नुकसान हो सकते हैं, बट थैंकफुली क्योंकि यहाँ पे शनि आपका पॉजिटिव है, आपका अपना ही लॉर्ड है, अपने ही साइन में प्लेस है, तो जो नुकसान की जो क्वांटिटी होगी, क्वांटम होगा दोस्तों, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल होगा। आज चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि। क्या इनके लिए भी वैसा ही रहेगा जैसे आपने कैप्रिकॉन वालों के लिए बताया? चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक ना किया और जल्दी से कर दीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड शेयर करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस माने कुंभ, कुंभ माने तो शनि की दूसरी राशि, मूल त्रिकोण राशि, और तो देखेंगे शनि कहाँ पे 11 नंबर में ही कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो रहा है। सेल्फ का लॉर्ड अपने ही सेल्फ हाउस में सेल्फ को बढ़ा के चलते हैं, यानी कि एज को बढ़ाएगा दोस्तों। सेल्फ की जितनी क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एज, पर्सनैलिटी, गुडविल, पैसा, नाम, शॉर्ट दोस्तों सब बढ़ा के चलते हैं दोस्तों, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड होकर ज्यादा पावरफुल हो गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दोस्तों बताया था कि अगर शनि जब रेट्रोग्रेड होगा तो ज्यादा पावरफुल होता है, नेगेटिव वालों के लिए ज्यादा नेगेटिव, पॉजिटिव वालों के लिए ज्यादा पॉजिटिव दोस्तों, यानी कि कुंभ वालों के लिए यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पे गेन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गेन हो जाएगा दोस्तों। स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि यहाँ से शनि से चौथे, यानी कि शनि के केंद्र में दोस्तों गुरु की भी प्लेसमेंट है, तो ये दोस्तों चीजों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देगी। पैसा, नाम, रुतबा, शौहरत दोस्तों सब यहाँ पे मिलेगा, जल्दी जल्दी मिलेगा दोस्तों, हालांकि शनि रेट्रोग्रेड प्लेनेट है तो यहाँ पे मिलेगा लंबे टाइम के लिए। तो फर्स्ट का शनि आपका 10th हाउस में इम्पैक्ट करेगा, जॉब दोस्तों इनके पास जॉब नहीं थी, जॉब मिल जाएगी लंबे टाइम के लिए दोस्तों, इनकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड इन अ सेंस आपके लिए बहुत अच्छा करके चलेगा, और वो थर्ड हाउस पे इसका इम्पैक्ट जाएगा जहाँ पे इसकी नीच की राशि है। अगेन दोस्तों नीच की राशि पे शनि का इम्पैक्ट जाना हालांकि नेगेटिव कर सकता था आपके लिए, बट क्योंकि थर्ड हाउस नेगेटिव होता है तो थर्ड में भी अपने को पॉजिटिविटी मिलेगी दोस्तों, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी करेज,
दोस्तों सिबलिंग के साथ आपका ओवरऑल दोस्तों सोशल सर्कल की बात करके देखें, आपके मेंटल स्टेटस की बात करके, कान आपके दांत दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छे से काम करेंगे। तो ये ओवरऑल हम लोग देख के चलें दोस्तों, कुंभ वालों के लिए अगर हम लोग देखें सबसे अच्छा जो अगर रहेगा 12 के 12 लग्नों में सबसे ज्यादा बेटरमेंट दोस्तों कुंभ वालों के लिए रहने वाले, बिकॉज शनि कुंभ का त्रिकोण मूल त्रिकोण का लॉर्ड अपने ही सेल्फ हाउस में दोस्तों। हाँ एक चीज हमें ध्यान में देखकर चलिए कि ये जो होगा दोस्तों नंबर 5 पे जो इसका इम्पैक्ट जाएगा 7 होगा आपका मैरिज, अपने पार्टनर का ध्यान में देना, उनकी हेल्थ का अपने ध्यान में देखकर चलना है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, बट आपने उनका ध्यान में देखकर चलना है बिकॉज शनि यहाँ पे पावरफुल हो चुका पॉजिटिव में, तो उनका थोड़ा ध्यान में दे, उनको सैडनेस ना हो, उनको डिप्रेशन हो, और कहने के आपकी दोनों की जो मैरिड लाइफ है कंपेटिबिलिटी वो दोस्तों कहने के इम्पैक्ट ना हो। बट ओवरऑल हम लोग देखकर चले कुंभ वालों के दोस्तों शनि हर तरीके से अच्छी खबर लेकर आएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, आपके कर्मों का फल आपको अच्छा से मिलेगा यहाँ पे, और कहीं दोस्तों कुंडली में भी शनि आपका वेल प्लेस है दोस्तों, फिर तो कहना ही क्या, शुक्र की महादशा चल रही है आपकी, शुक्र की दशा चल रही है आपकी, शनि शुक्र साथ में, शुक्र आपके लगन को देखता है दोस्तों, फिर तो दोस्तों कहने का ये शनि वो सारे काम कर देगा जो डायरेक्शन ही नहीं कर पाता, यानी कि अगले 5 महीने आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले कर देंगे दोस्तों। ध्यान में रखिए शनि कहाँ पे, और दोस्तों अगर शनि आपके 6th, 8th या 12th हाउस में प्लेस है तो मे भी आपकी फॉरन ट्रेवलिंग भी यहाँ पे हो जाए, तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। चलिए आज का लास्ट लग्न 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी होगा, मतलब 12 नंबर पाइसेस मीन गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? तो हालांकि यहाँ पे जो शनि होता है बहुत नेगेटिव होता है, 11 दोस्तों इनकम का, 12th हाउस दोस्तों गेंस का, सॉरी लॉसेस का दोस्तों, लेकिन गुड पार्ट इज कि शनि हाईली नेगेटिव प्लैनेट और दोस्तों अपने सबसे हाईली नेगेटिव हाउस के अंदर 12th हाउस के अंदर, यानी कि मदर ऑफ ऑल विपरीत राज्यों, दोस्तों यहाँ पे शनि एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा विपरीत राज्यों के दोस्तों, जो उसमें पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों, नेगेटिव खर्चे खत्म दोस्तों, पॉजिटिव खर्चे बढ़ेंगे, नेगेटिव खर्चे खत्म होंगे, इनकम आपकी यहाँ पे बढ़ेगी दोस्तों। 12th हाउस हो गया आपके कहीं ना कहीं लास्ट हाउस ऑफ दिस, मतलब जो कहते हैं कि दोस्तों आखिरी जो हाउस होता है दोस्तों आपके हॉरोस्कोप के अंदर, तो वहाँ पे अपने को शांति मिलेगी, जिनको इंसोम्निया की दिक्कत थी, नींद की दिक्कत थी, उनको नींद की दिक्कत यहाँ पे दूर होगी, जिनको दोस्तों टांगों में पैरों में दिक्कत थी, बिकॉज दोस्तों 12th हाउस पैरों को डिनोट करता है, वो भगवान के आशीर्वाद से धीरे होंगे, जिनको दोस्तों पेट की दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थे दोस्तों, उनको यहाँ पे आराम मिलेगा, और दोस्तों क्योंकि शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे 11th हाउस का भी इसका लॉर्डशिप है दोस्तों, गेंस के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल हम लोग देख के चले दोस्तों, ये एक मीन लगन भी दोस्तों ऐसा लगन है जिनका दोस्तों यहाँ पे जॉब के अंदर, पैसे के अंदर और नेगेटिव खर्चों में कटौती, हॉस्पिटलाइजेशन में कटौती, लीगल खर्चों में दोस्तों कटौती, तो ओवरऑल दोस्तों चीज यहाँ पे बेहतर होंगी। बस इतना मैं ध्यान में देना कि शनि का जो इम्पैक्ट है दोस्तों आपके छठे घर पे आएगा 7th हाउस पे, जो कि यहाँ पे नंबर 5 राशि है, थोड़ा सा उसको लोअर स्टमक का ध्यान में देखे चले, तो इनको पैनक्रियाज की दिक्कत है दोस्तों, इनको डायबिटीज के इश्यूज है, इनको इंटेस्टाइन में शो, थोड़ा अपने ध्यान में रखे चलेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज शनि ऑलरेडी यहाँ पे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन और आपके नेगेटिव खर्चे कम करता हो जा रहा है दोस्तों। थैंकफुली इस बार का जो शनि का जो रेट्रोग्रेशन है मीन वालों के लिए भी पॉजिटिविटी देख के चलेगा, एंड टू टॉप इट ऑल 3rd हाउस में ऑलरेडी आपका जुपिटर लैंड कर चुका है, आपको मालूम है दोस्तों 1st मई को, जिन लोगों ने दोस्तों हमारी वीडियो नहीं देखी गुरु गोचर की वो देखिएगा, उसमें हमने बताया था ऑलरेडी पॉजिटिविटी यहाँ पे बाहर आ चुकी है, और दोस्तों बाकी जो छोटे मोटे ट्रांजिट चल रहे हैं, मंगल का भी ट्रांजिट हो गया दोस्तों, शुक्र का, सूर्य का, वो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, तो थैंकफुली यू आर वेरी वेरी सेफ और नेगेटिव खर्चे खत्म दोस्तों। बहुत सालों के बाद मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा दोस्तों, बहुत सालों के बाद कि शनि का रेट्रोग्रेशन आपकी मदद करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा, तो दोस्तों मीन लगन वाले भी तैयार रहिए एक अच्छी जर्नी के लिए, और कुंडली में दोस्तों शनि अगर पॉजिटिवली प्लेस है आपका, विपरीत राजयोग मिल रहा है या नीच भंग राजयोग मिल रहा है या शनि दोस्तों केंद्र के अंदर प्लेस है, तो आपको अच्छा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा के चलेगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी के 4 लग्न डिस्कस हो गए, आज हमारी पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गई, तो हमने सब लग्नों का बता दिया कैसा रहेगा शनि का रेट्रोग्रेशन, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा, तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो रेमेडीज बता दें, शनि की सबसे बड़ी रेमेडी, आपको शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि देव को थाली अर्पित कीजिए जहाँ हर मंदिर के बाहर मिलती है, उनको तेल चढ़ाइए, दिया जलाइए, दाल उड़द की दाल आप उनके आगे रख सकते हैं, और पुअर और नीडी लोगों की आप हेल्प कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ आप फ्राइड फूड दे सकते हैं जैसे मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप घर से बना के लेके जाएं, आप बाहर से भी कुछ लेके आप परचेस करके उनको दे सकते हैं जो आपके यहाँ इजिली अवेलेबल हो, समोसा ब्रेड पकौड़ा कुछ भी जो आपके यहाँ इजिली अवेलेबल हो। और कुछ बाकी जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि शनि डिनोट करता है बुजुर्गों को, डिप्राइव्ड लोगों को, गरीब लोगों को, तो दोस्तों हो सके तो आप वहां जाइए, ओल्ड एज होम जाइए, जिनके घर वालों ने अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, इनको कोई नहीं हो, उनकी मदद करें कपड़ों से, पैसों से, मिठाई से, खाने से, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों, या जो उनके रिक्वायरमेंट हो दोस्तों उससे मदद करेंगे। और दोस्तों लास्ट में कोरियो की दोस्तों, लेपर्स दोस्तों, इनका शरीर पूरा खराब होता है, सैटरडे के दिन जाइए, उनकी मदद करें, उनको खिलाइए पिलाइए दोस्तों, तो भी आपके कष्ट टलेंगे, तो शनि आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए, आपको बहुत कुछ देखा जाएगा, और कुछ डबल देखा जाएगा, वो ट्रिपल देखा जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।